पहली नंबर एक, इस घड़ी को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इस घड़ी में क्या गलती है। देखिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान से देखिए, वॉच में नाव की जगह पर 11 है। क्या आपको भी ये मिल गया था? तो इसी बात पे इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं, चलिए दूसरी पहेली। बबीता प्लेन में ट्रैवल करती है, तभी उसका तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। किसी को नहीं पता था कि उसे क्या हो रहा है, तो उन्हें बबीता की जान बचाने के लिए प्लेन को लैंड करवाना पड़ता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में पाया गया कि उसे कोई जहर देकर मारना चाहता था। पुलिस ने सस्पेक्ट्स का पता लगाया। एयर होस्टेस बोलती है, मैं उनके लिए कॉफ़ी लेकर आई थी जो उन्होंने मंगवाई थी, और वो कॉफ़ी एयरपोर्ट की कॉफ़ी शॉप में बनी थी, तो वो पॉइजनस नहीं हो सकती। दया बोलती है, हमने तो बस एक दूसरे को हेलो बोला था जब हम प्लेन में मिले थे, और जब मुझे एक अर्जेंट कॉल आया तो मैं वहाँ से चली गई थी, और जब मैं वापस आई तो बबीता की तबीयत पहले ही खराब हो चुकी थी। अंजलि कहती है, हम दोनों की सीट्स काफ़ी दूर में थी और हमने ज़्यादा बात भी नहीं करी क्योंकि हम फ्रेंड्स नहीं हैं। ये सब बातें सुनने के बाद पुलिस को तुरंत पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको भी पता चला? अगर पता चला तो हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इनमें से झूठ दया बोल रही है कि जब बबीता की तबीयत खराब हुई थी तब तो प्लेन हवा में थी ना, तो बबीता की कॉल कैसे आ सकती है क्योंकि उस टाइम तो सबके फोन ऑफ होते हैं। अब देखते हैं, चलिए तीसरी पहेली। इन तीनों औरतों को ध्यान से देखिए, ये बबीता है, ये दया और ये है अंजलि। इन तीनों औरतों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से कौन नागिन है। सोचिए और अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। अगर आप तीनों को ध्यान से देखोगे तो ये तीनों ही जूस पी रहे हैं। बबीता और अंजलि के ग्लासेस पर लिपस्टिक लगी हुई है, लेकिन दया के गिलास पे लिपस्टिक नहीं लगी है क्योंकि वो नागिन है और अपने टंग से जूस पी रही है। इसमें आपको क्या लगता है? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।